2024 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात के बनासकांठा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये दावा किया। आ वक्त कांग्रेस की स्थिति एवी है, तमारा सरकार बना भी हुआ तो ओछा में ओछी 272 सीटों तो एमपी जुए तमारे पास। हमारी सिवाय भाजप सिवाय आ देश में एक पण पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पण 272 लड़ावता नहीं। बोलो ले तमे 272 लड़ावता नहीं अनको जमे सरकार बनाईशू। इस लोकसभा चुनाव में 543 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में नोट करें कि 272 सीटों का आंकड़ा बहुमत का है। ANI जी न्यूज ने भी पीएम मोदी के बयान के आधार पर ये रिपोर्ट्स पब्लिश की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कथित बयान के बारे में ऑल्ट न्यूज ने ट्विटर चेक किया तो हमें विपक्ष के नेताओं के कुछ ट्वीट्स मिले। जैसे कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने ट्वीट किया कि कांग्रेस ने अब तक 326 सीटों पर इलेक्शन की घोषणा की है। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर अकाउंट INC संदेश ने 22 अप्रैल को 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इस लिस्ट में कुल 301 नाम है। इसके बाद 30 अप्रैल को 26 और उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी, यानी अब कांग्रेस के उम्मीदवारों का आंकड़ा 327 हो गया है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच से किया गया ये दावा कि कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त उम्मीदवार नहीं घोषित किए हैं सरासर गलत साबित होता है। हाल ही में पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर कई गलत दावे किए थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में ऐसा कोई दावा नहीं किया गया था जैसा कि पीएम मोदी ने अपने स्पीच में बताया था।